नंबर 13, वन प्लस ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, मैं इसको गौर से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करने में लिए चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं ये वाली साइड यूज़ करता हूँ, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा और ये स्क्वायर। कोसेकेंट वन ओवर साइन थीटा, आपको पता है शुरू में मैंने बताया आपको, कॉट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये भी आपको पता है, लेकिन ये जो बाइड होल स्केयर है वो वैसे ही। अब अंदर क्या लेंगे, एलसीएम, नीचे ये एलसीएम लेने का एक और तरीका है क्या जी, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो एक ही दफा लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो क्या लिखते हैं, एक ही दफा। इस वाली वैल्यू को इससे नहीं, नहीं नहीं नहीं, नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम हो तो एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज लिख देते हैं, वन था प्लस और कॉस था, ओके हो गया, कोई मसला नहीं। ये स्क्वायर जो है आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू का भी और नीचे वाली वैल्यू का भी है, तो मैं दोनों के साथ सेपरेट कर देता हूं, ये ले और ये साइन का स्क्वायर, ओके हो गया। अभी हमने ये पढ़ा था पिछले सवाल के अंदर भी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, कॉस उधर जाएगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ओके हो गया। तो क्या मैं इस सवाल में ऊपर वाली वैल्यू को कुछ नहीं कहना, वो आपके साथ वैसे ही चलती जाएगी एंड तक, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई टेंशन, ओके चलें। अब फिर मैं यहां पे समझाता हूं, देखें ये वन है, वन का स्क्वायर वन और वो कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, शाबाश, एक दफा प्लस हो जाएगा और एक दफा ये माइनस करके लिखा जाएगा, मैं इसकी जगह पर नीचे ये चीज लिखता हूं, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर वैसे ही, नीचे क्या लिखूंगा, एक दफा माइनस वन और ये कॉस माइनस में और एक दफा वन और कॉस प्लस में, क्लियर, ओके कटिंग हो रही है कुछ, ये एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर है दो दफा, यानी कि एक दफा कट गया, क्या रह गया, वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाली साइड उस साइड पे नजर आ रही होगी और यहां पर लेफ्ट पर मौजूद है, तो मैं लेफ्ट साइड को लेता हूं, सेकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, सेकेंट को वन ओवर कॉस लिखा जा सकता है और टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी मैंने आपको समझाया कि अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम हो तो एलसीएम लेते वक्त उसे एक ही दफा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को भी सेम एज इट इज एक ही दफा लिखा जा सकता है, क्लियर। क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो ऊपर वाली वैल्यू का भी है और नीचे वाली वैल्यू का भी है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू के साथ स्क्वायर सेपरेट कर देता हूं और नीचे वाली वैल्यू के साथ कॉस स्क्वायर सेपरेट कर देता हूं। अब यहां पर आए, जिस तरह ये साइन उधर गया, कॉस उधर गया था, अगर इसी तरह साइन उधर चला जाए तो वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं नीचे ऊपर वाली वैल्यू को अब कुछ नहीं कहना, नीचे वाली वैल्यू को क्या करूंगा, उसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूं जी, क्या लिखना है मैंने, मैं इसकी जगह पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये वन का स्क्वायर वन होता है माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका मतलब है नीचे क्या आ जाएगा, एक दफा प्लस करके वैल्यू आ जाएगी ये दोनों और एक दफा ये दोनों वैल्यूज माइनस करके आ जाएंगी और ऊपर क्या मौजूद है मेरे पास, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कटिंग वन माइनस साइन थीटा और ये ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब दो दफा है, तो मैं एक दफा काट देता हूं, बाकी क्या रह गया मेरे पास, वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा, जो कि मेरी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड थी,
क्वेश्चन नंबर 15 में 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है हमने। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज करता हूं, वो क्या है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या सोच रहे हैं आप, टेंजेंट की जगह पे मैं क्या लिख दूं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये मैंने ऊपर लिखा, लेकिन नीचे वाली चीज क्या है, नीचे वाली चीज क्या है, नीचे वाली चीज, हाँ जी नीचे वाली चीज को सेकेंड स्क्वायर के बराबर नहीं होती, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, ओके 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देखिए सेकेंड चूंकि डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है इसकी जगह पे अगर वैल्यू पुट करूं तो देखिए क्या जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड होता है, ऐसा है कि नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड, इसका मतलब ऊपर 1 ओवर सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, कॉस से कॉस स्क्वायर कट गया, बाकी क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। आप जो सी मर्जी साइड यूज कर सकते हैं, दोनों साइड्स सेम मेथड से सॉल्व होंगे। मैं लेफ्ट साइड से यूज करता हूं 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा कि आप सेंटर वाला साइन चेंज करें और उस साइन को चेंज करने के बाद आप उस वाली वैल्यू यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, सेंटर वाला साइन चेंज किया उस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, यानी कि सेंटर वाली वैल्यू को चेंज करें साइन को और उस वैल्यू से क्या करें मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर देखें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कौन सी शक्ल मान रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस वाले फार्मे के तहत फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, कौन सा वाला फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम नहीं ले लेना, मल्टीप्लाई का साइन है, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू से और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और हमने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर ये शक्ल नहीं बन रही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा नीचे है 1 प्लस साइन थीटा नीचे है, कॉस से कॉस स्क्वायर यानी कि दो दफा कॉस तक कैंसिल हो गया, क्या रह गया जी, देखें जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 17, लेफ्ट साइड पर टेंजेंट थीटा प्लस साइन कॉट थीटा इज इक्वल की होल पावर क्या है 2 इज इक्वल टू सेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा और कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने लगे, मैंने कौन सी साइड यूज की है, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जी, ठीक है टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक होगी बात, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है होल स्क्वायर ले लिया, ओके अब अंदर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं जी, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इस ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, सेम है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, सेम टू सेम है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो पावर 2 बाहर है वो वैसे की वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, ओहो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो क्या होता है 1, जी ठीक है। अच्छा 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है
सीकन का 1 ओवर साइन, साइन किसका उल्टा होता है, कोसीकन का, तो इसकी जगह पे लिख सकता हूं होल स्केयर है तो स्केयर दोनों के ऊपर नहीं आएगा, अलग अलग कर दें। लो जी ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड, यही आपने क्या करना था प्रूफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत आया मैं लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफा पेपर में आया हुआ है, हम इसे तवज्जो से देखते हैं। देखें जी ये आपकी साइड है लेफ्ट और वो है राइट, मैं लेफ्ट साइड को यूज करता हूँ, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन और वन टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस वन, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर जो बात यूज होगी देखिए, वन प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, सीकेंट स्केयर थीटा। टेंजेंट को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा, ये होता है। मैं जस्ट इस वाले वन की तो इस वाले वन की जगह पर ये वाला जो वन है इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, वो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास वैल्यू, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इस माइनस की जगह पे क्या लिखा मैंने, वो वाली वैल्यू, सीकेंट स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर, ब्रैकेट डाल दी क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए। नीचे वाली वैल्यू को हमने कुछ नहीं कहना, पूरे सवाल के अंदर हमने नीचे वाली वैल्यू के साथ सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत से पेश आना, उसे कुछ भी नहीं कहना, क्लियर है जी। अब देखें ये क्या है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहां पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लग सकता है, पहले वाली वैल्यू को वैसे लिख दिया माइनस, यहां पे ए प्लस बी यानी कि सेकेंड प्लस टेंजेंट और मल्टीप्लाई सेकेंड माइनस टेंजेंट, क्यों लगाया ये, क्योंकि मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही थी, सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस वन, नीचे वाली मैंने आपको पहले बताया उसे कुछ भी नहीं कहना और आपने उसे वैसे लेते हुए सॉल्व करते रहना है। अब गौर करेंगे इस माइनस वाली वैल्यू से पहले और बाद में कुछ कॉमन है, टेंजेंट प्लस सीकेंट इधर भी है और टेंजेंट प्लस सीकेंट इधर भी है, तो अगर मैं कहूं मैं कॉमन निकाल रहा हूं टेंजेंट प्लस सीकेंट, मैंने कॉमन निकाल लिया है तो माइनस से पहले क्या रह जाएगा, ये तो बाहर चली गई है वन रह गया इसकी जगह पर, और माइनस के बाद ये बाहर चली गई है वो रह गया कॉमन के बाद, तो क्या हमारे पास बचा वन माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये बच गया हमारे पास इधर। नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं कहना, वो वैसे की वैसे ही लिख लेनी है, ये क्लियर होगी बात। अब टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये तो वैसे ही है, वन माइनस है तो साइन चेंज, सीकेंट माइनस का और प्लस में क्या आ जाएगा टेंजेंट, क्या आ जाएगा टेंजेंट आ जाएगा, क्लियर होगी बात, कोई मसला है तो बता सकते हैं। यहां पे एक करेक्शन कर लें, ये सवाल के अंदर यहां पे माइनस है ठीक है, ये देखिए ये माइनस है तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, ये करेक्शन कर लेना। नीचे क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन। अब गौर करें कि इतनी चीज नीचे और इतनी सेम है, आप सोचोगे कैसे, टेंजेंट का साइन प्लस है नीचे भी टेंजेंट का साइन प्लस है, सीकेंट का साइन माइनस है नीचे भी सीकेंट का साइन माइनस है, वन प्लस है नीचे भी वन प्लस है, तो सेम टू सेम पीस हुआ ये, तो कटिंग करने के बाद क्या रह गया हमारे पास, टेंजेंट प्लस सीकेंट, क्या रह गया टेंजेंट, जो कि हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।